नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। हम कार्य क्षमता के बारे में जान रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने कार्य क्षमता के बारे में नॉर्मल प्रश्नों का जिक्र किया था। नॉर्मल प्रश्नों में भी कुछ अच्छे प्रश्न भी थे, लेकिन अब हम कार्य क्षमता का एकदम निचोड़ निकालेंगे, जहाँ कार्य क्षमता के बारे में एकदम बारीकी से हम हर चीज को सीखेंगे और कहीं भी किसी कमी को नहीं छोड़ेंगे। कार्य क्षमता से संबंधित अगर कोई प्रश्न कार्य समय में या नल टंकी में आता है तो मेरे हिसाब से आपका वो प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर? अगर कोई विद्यार्थी नया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो विद्यार्थी शुरू से इस चैनल पर बने हुए हैं वो लाइक का बटन दबा के आए और शेयर करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखो, प्रश्न आपके पास आ रहा होगा, एक किसी काम को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दो गुना और सी की तुलना में तीन गुना। देखो, ए बी सी की बात हो रही है, मैं यहां लिख देता हूं ए बी और सी। क्लियर? तो अब ध्यान दें एक बार, किसी काम को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दो गुना और सी की तुलना में तीन गुना। तो मैं अगर इसको दो मान लूं, इसको तीन मान लूं, तो ये छह हो गया। क्लियर है भाई? बी की तुलना में तो दो गुना और सी की तुलना में तीन गुना। सर ऐसा ही क्यों माना? ऐसा हम सेट कर सकते हैं, बाकी हम एक मानेंगे और इसे तीन मानेंगे तो फिर इसे मुझे डेढ़ मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे दो गुना होना चाहिए। क्लियर? तो इस चीज को अगर हम सोल्व करेंगे तो भी यही बात बनेगी, लेकिन हमने डायरेक्टली सोल्व कर दिया कि भी ए को छह मान लिया, बी को तीन मान लिया और सी को दो मान लिया। आगे क्या दिया है? तीनों मिलकर तीन गुना समय लेता है, तो ये रेशियो किसका है? टाइम का। अगर ये टाइम का रेशियो है तो क्या हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं? भाई इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ छह आ गया, इसको छोड़ दो, छह दूनी बारह और छह तीय अठारह। इसका मतलब कार्य क्षमता का रेशियो एक अनुपात दो अनुपात तीन। भाई कार्य क्षमता और समय विपरीत अनुपातों में होते हैं, तो कार्य क्षमता का रेशियो क्या हुआ? एक अनुपात दो अनुपात तीन। इसके आगे बोला है कि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करें तो एक को अकेले को लगने वाला समय बताओ। मुझे एक चीज बताओ आप, यहाँ ए एक दिन में क्या कर रहा है? एक काम। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता ही पर डे वर्क होती है। कार्य क्षमता ही क्या होती है? पर डे वर्क होती है। तो ए एक काम, बी दो काम और सी तीन काम, तीनों मिल जाएंगे तो तीन दो पांच हो एक, एक दिन में छह काम होगा। एक दिन में छह काम होगा, इसका मतलब अगर किसी से भी काम करवाना है तो एक दिन में पूरा कर रहे हैं, तो छह काम। अब कह रहा है ए इस काम को कितने समय में करेगा? तो ए एक दिन में क्या करता है? एक। तो बोलो एक को लगने वाला समय क्या होगा? छह दिन। प्रश्न ये भी बन सकता है कि बी इसे कितने समय में करेगा? तो बी एक दिन में दो कर रहा है, तो बी करेगा इसे कितने दिन में? तीन दिन में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सी इसे तो एक दिन में तीन करता है, तो सी कर देगा इसे दो दिन में। क्लियर? तो यहाँ हमारा बेसिकली जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? छह दिन। क्लियर है? ये हमारा पहला प्रश्न था। अब ध्यान से इस प्रश्न को समझे, आपका इस प्रश्न का जो आंसर आना चाहिए था वो छह दिन आना चाहिए था। दोबारा सुने एक बार, इनके जो समय का रेशियो हमारे पास निकल के आया वो छह तीन और दो आया, लेकिन समय से हमेशा सोल्व नहीं होता प्रश्न, कार्य क्षमता से, और कार्य क्षमता समय से विपरीत अनुपातों में होगी। और अगर कार्य क्षमता समय से विपरीत अनुपातों में होगी तो क्या मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि यहाँ से तीन गुणा दो, जिसका अनुपात निकालते हैं उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब तीन गुणा दो कितना हुआ? छह। इसको छोड़ दो, छह गुणा दो बारह, और इसे छोड़ दो, इसके नीचे छह गुणा तीन अठारह, तो छह से काटेंगे, रेशियो वन टू थ्री आ गया। रेशियो क्या आ गया? वन टू और थ्री। अगर ये रेशियो आ गया तो मैंने कहा तीनों एक दिन में छह कर रहे हैं, एक दिन में काम कंप्लीट, तो काम छह है, ऐसे करवाना है, एक दिन में एक करता है तो छह काम छह दिन में। अगर मुझे यही काम बी से करवाना है तो बी एक दिन में क्या करता है? दो काम, तो छह काम तीन दिन में। और सी से करवाना है तो सी एक दिन में क्या करता है? तीन काम, कितने दिन में कर देगा? दो दिन में। बोलो दोस्तों, बात क्लियर है? ये हमारा पहला प्रश्न था। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले प्रश्न को आपने ढंग से समझा होगा और आपका आंसर भी आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सेशन जो मैथ का सेशन रहता है डेली डेली आपका सुबह 9 बजे आपके पास पब्लिश हो जाता है, तो डेली सुबह 9 बजे आप तैयार रहें, डेली सुबह 9 बजे आपके पास एक लेक्चर तैयार रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक काम करने के लिए एक को बी की तुलना में दो गुना समय लगता है। एक काम करने के लिए एक को बी की तुलना में दो गुना, अगर इसे एक लगता है तो इसे दो गुना टाइम लग रहा होगा, टाइम की बात हो रही है। सी को बी की तुलना में तीन गुना,
इसका मतलब सी को, इसको एक तो इसको तीन लग रहा होगा। अब क्या बोला है, तीनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला, वो का वो प्रश्न बोलो मुझे कार्य क्षमता निकालनी है या नहीं निकालनी, निकालनी है पर डे वर्क। अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो तीन एकम तीन, इसे छुपाऊंगा तीन दूनी छह, और इसे छुपाऊंगा दो एकम दो। यह अनुपात किसका आया, कार्य क्षमता का अनुपात आया। किसका अनुपात आया, कार्य क्षमता। और अगर मैं इनका एक दिन का काम देखूं तो तीन तो ये, छह ये, छह दो आठ और तीन ग्यारह। अगर एक दिन में ग्यारह करते हैं तो प्रश्न में कहा गया कि तीनों ने इस काम को 12 दिन में पूरा किया। कितने दिन में, 12 दिन में। तो मैं कहूंगा 11 गुना 12 काम हो गया, या 132 कह सकते हो इतना काम। प्रश्न क्या कह रहा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या प्रश्न कह रहा है, ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो ए एक दिन में तीन करता है, और तीन तीन के हिसाब से करवाएंगे तो चार गुना ग्यारह चौक कितने दिन लग जाएंगे, 44 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, 44 दिन। याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है कि बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। दोस्तों अलग अलग प्रकार से यहां से प्रश्न बनाया जा सकता है, क्लियर। तो इस प्रश्न में हमारा जो आंसर होगा वो 44 दिन आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी से 20% कम कार्य करता है। देखो 20% की अगर रेशियो वैल्यू देखो तो मैं 1/5 होगी, 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5। और ए बी से 20% कम काम करता है, तो कार्य क्षमता अगर इसकी 5 है तो इसकी 4 ही है, ये 5 से 1 कम काम करेगा। अगर बी 5 करता है तो ये 1 कम करेगा, मतलब कितना करेगा, 4। तथा ए किसी काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 7.5। 7.5 को क्या मैं 15/2 लिख सकता हूँ, 7.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 15/2। तो अगर एक दिन में 4 कर रहा है, 15/2 दिन में मुझे चाहिए, तो बोलो 30 काम आ गया। एक दिन में 4 कर रहा है तो 15 चौके 60 का आधा 30 काम, 30 काम हमारे पास आ गया। बी उसे कितने समय में करेगा, तो बी बोलो एक दिन में क्या कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम। अगर एक दिन में 5 कर रहा है तो 30 कामों को कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, या दोनों मिलकर उससे 3 गुने काम को कितने दिन में। तो बोलो 3 गुना काम, 30 का 3 गुना 90, एक दिन में 5 और 4 9 करते हैं, तो बोलो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। बोलो बात क्लियर है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। क्या कह रहा है हमें अगला प्रश्न, ध्यान दें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। दो आदमी प्लस 2 मैन 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज, ये दिया हुआ है, मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में निराई 10 दिन में करते हैं। इसका मतलब इन्होंने मिलकर 10 हेक्टेयर आपके पास खेत है, उसकी निराई इन्होंने 10 दिन लगा दिए करने में। निराई करने में कितने दिन लगा दिए, 10 दिन। आगे क्या बोला है, मैन वुमेन और बच्चे की कार्य क्षमता, मैन वुमेन और बॉय की कार्य क्षमता 5:4:2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में, ये है। तो 6 आदमी 6 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 7 बॉयज 16 हेक्टेयर खेत को कितने समय में जोत देंगे, 16 हेक्टेयर खेत को कितने समय में निराई कर देंगे, क्लियर। तो अब ध्यान देना एक बार, अगर एक आदमी 5 काम तो 2 आदमी कितना काम, 10 काम, क्लियर। एक आदमी 5 काम तो 2 आदमी 10 काम। एक महिला 4 करती है तो 3 महिलाएं 4 3 12। एक लड़का 2 तो 4 लड़के 8। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये एक दिन में 30 काम करते हैं। क्या कह सकता हूं मैं, ये एक दिन में क्या करते हैं, 30 काम। अगर ये एक दिन में 30 काम कर रहे हैं तो मुझे एक चीज बताओ, 10 दिन में क्या इन्होंने 300 काम किया है क्या, 10 दिन में। भाई एक दिन में 30 काम है कार्य क्षमता के हिसाब से, तो इन्होंने 10 दिन में 300 कर दिया। 10 दिन में क्या कर दिया इन्होंने, 300 काम। और 10 हेक्टेयर की अगर निराई कर रहे हैं तो मैं इसको 10 से और गुणा कर देता हूं, इसका मतलब 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में इनके द्वारा कितना काम हो रहा है ये देख रहा हूं मैं। तो 1 हेक्टेयर में इनके द्वारा 3000 काम हो रहा है, क्लियर। 1 हेक्टेयर में, जैसे मैं कहूं यहां कह सकता हूं कि 10 हेक्टेयर में ये 300 काम करते हैं,
दस हेक्टेयर में, दोबारा सुनना एक बार, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, दस दिन में कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि दस हेक्टेयर में ये 300 काम करते हैं, दस हेक्टेयर में, तो बोलो एक हेक्टेयर में 30 काम करेंगे क्या, एक हेक्टेयर में कितना काम करेंगे 30, तो बोलो 16 हेक्टेयर में कितना काम होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 16 गुना 30 अगर मैं करता हूँ तो 16 3 48 480 काम करवाना पड़ेगा। अब 480 काम मुझे किससे करवाना, छह तो आदमी है मेरे पास, किससे करवाना, छह तो आदमी है, चार महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं। जैसे आदमी अगर एक दिन में 5 कर रहा है तो 6 5 30 तो ये कर देंगे, महिला 4 तो 4 4 16 ये कर देंगी, और बच्चे 2 तो 7 2 14 ये कर देंगे। तो मेरे हिसाब से एक दिन में ये 30 और 30 60 काम कर रहे होंगे, एक दिन में क्या काम कर रहे होंगे 60। अगर एक दिन में 60 480 करवाना है तो बोलो 8 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 8 दिन। बात समझ में आ रही है, दोबारा समझना एक बार चीजों को कैसे हम डील करते हैं, सुनना एक बार मैंने क्या कहा, ये लोग 10 हेक्टेयर 10 दिन में, तो इसका मतलब इस कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ये एक दिन में क्या कर रहे हैं 30 काम, इस कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग एक दिन में 30 तो 10 दिन में 300, तो जब 10 हेक्टेयर को 10 दिन में कर दिया इसका मतलब 10 हेक्टेयर काम करने में 300 काम किया इन्होंने, 10 हेक्टेयर काम करने में कितना काम किया इन्होंने 300, तो एक हेक्टेयर में क्या काम करना पड़ेगा 30 काम, एक हेक्टेयर में क्या करना पड़ेगा 30, जब एक हेक्टेयर में 30 हो गया तो 16 हेक्टेयर में 16 गुना, तो 16 गुना कितना 480। अब इस कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग इतने लोगों को लगाया जो एक दिन में 60 करते हैं, तो 480 कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में। सर ये आपका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में, मतलब बाबू को बी से और आशा को ए से, तो ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 7 दिन में। आशा बाबू की तुलना में, आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है, इसका मतलब आशा अगर 7 काम करती है तो बाबू 4 ही करती है, और दोनों का मिलाकर एक दिन का काम देख ले तो 11 हो गया, 7/4 गुना मतलब आशा बाबू की तुलना में 7/4, तो बाबू 4 करती है तो आशा 7 करती है, बाबू 4 करती है तो आशा क्या करती है 7 काम करती है। तो अब सुनना इससे आगे, 7 इसने 4 इसने, दोनों ने 11, एक दिन में 11 तो 7 दिन में काम खत्म करनी है, इसका मतलब काम स्वतंत्र है, 77 काम है, स्वतंत्र काम है। क्या बोला है, अकेले आशा इस काम को कितने समय में कर देगी, अकेले आशा इस काम को कितने समय में, आशा एक दिन में क्या कर रही है 7 काम, तो बोलो स्वतंत्र करने में कितने दिन का समय लेगी 11 दिन का समय लेगी, कितने दिन का समय लेगी 11 दिन का, 11 दिन आपका सही जवाब होगा, क्लियर है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, आगे ध्यान दें एक बार, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है, एक कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से, इसका मतलब बी एक करेगा उतनी देर में ये 2 कर देगा, कार्य क्षमता कह दो चाहे पर डे वर्क कह दो, बात तो ये की है भाई बी एक करेगा इतनी देर में, एक इतना कर देगा 2 काम। फिर क्या बोला है, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में, तो दोनों एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में 36 काम, भाई एक दिन में 2 और 1 3 तो 12 दिन में 36 काम हमें करवाना पड़ेगा, चाहे आप किसी से ही करवा लो। आगे क्या बोला है, बी अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा, बी अकेला एक दिन में क्या कर रहा है 1 काम, तो 36 काम कितने दिन में करेगा 36 दिन का समय लगेगा, सभी से कितने दिन का समय लगेगा 36 दिन का। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है, तो कार्य क्षमता ए की 2 गुनी है बी से, अगर बी एक करता है तो ए क्या करेगा 2 काम करेगा। आगे दोनों मिलकर 14 दिन में काम पूरा कर देते हैं, अगर एक दिन में 3 करते हैं तो 14 दिन में 42 काम हो गया, 14 दिन में कितना काम हुआ 42 काम हो गया। फिर क्या बोला है आपसे,
यदि ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। ए अकेला एक दिन में क्या करता है, दो काम, एक दिन में दो काम, तो बोलो 42 काम कितने दिन में, 21 दिन में। याद रखना, कभी भी दिनों की संख्या निकालनी हो तो कुल काम में जिससे भी करवाना है उसके एक दिन के काम का भाग दे दो, और कार्य क्षमता एक दिन का काम ही होती है, पर डे वर्क ही होती है। क्लियर? तो 42 करवाना, एक दिन में दो कर रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना, यहाँ बात कार्य क्षमता की होनी चाहिए। कई बार जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, समय की बात कर लेता है तो वहां प्रश्न गलत हो जाएगा, समय से हमें कार्य क्षमता पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, ए कार्य कुशलता में बी से तीन गुना है। ए कार्य कुशलता में बी से तीन गुना, इसका मतलब कार्य क्षमता की ही बात हो रही है, पर डे वर्क की, ये तीन करेगा ये एक करेगा। ए कार्य क्षमता में बी से कितने गुना है, तीन गुना। आगे ध्यान दें, इसलिए किसी काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। किसी काम को करने में बी से कितने दिन कम लेता है, 60 दिनों की बात हो गई तो सर समय पर जाना पड़ेगा, और समय विपरीत हो जाएगा 1:3। भाई कार्य क्षमता 3:1 है तो समय क्या हो जाएगा, 1:3। अब बताओ एक को कितने दिन कम लगे, दो दिन कम लगे। भाई इसे एक, इसे तीन, तो एक को कितने दिन कम लगे, दो दिन, और दो का मतलब सवाल में 60। बोलो दो का मतलब 60। अगर मेरा 2 60 के बराबर तो 1 30 के बराबर, अगर मेरा 2 60 के बराबर तो इस प्रश्न में 1 कितने के बराबर, 30 के। इसका मतलब ए तो 30 दिन ले रहा होगा और ये 90 दिन ले रहा होगा। भाई 1 का मतलब 30 तो 3 का मतलब 90। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है उस पर चलते हैं एक बार। एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर ए 30 दिन में काम पूरा कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और डेली कितना कर रहा है, 3, तो 30 दिन में 3 के हिसाब से मेरे हिसाब से कुल काम 90 हो गया। कुल काम कितना हो गया, 90। और अब मुझे ये 90 काम किससे करवाना है, मुझे ये 90 काम करवाना है दोनों से, और दोनों एक दिन में क्या करते हैं, 4 काम। अगर एक दिन में 4 तो 45/2, 45 का आधा कितना हो गया, 22.5 दिन का समय लगता है। बोलो कितना समय लगेगा, 22.5 दिन। दोबारा समझे सर इसको, ए और बी का जो अनुपात आपको गिवन है वो कितना है, 3:1। अगर समय देखो तो 1:3, इसको एक दिन, इसको 3 दिन, अगर कमी देखे तो 2 दिन की। 2 का मतलब सवाल में कितना है, 60। अगर 2 का मतलब 60 तो 1 का 30, 1 का मतलब 30, तो 3 3 के हिसाब से 90 काम दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4 4 4 के हिसाब से 22.5 दिन में हमारा काम खत्म करके हमें दे जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो यस कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न के ऊपर। देखो तो मैं ये चाहता हूं कि आपके पास कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न आए तो आप उसको गोली मार दो तुरंत, देखते ही गोली मारने का मतलब उसका फटाफट आंसर दे दो, कोई समस्या नहीं है। ऐसे इतने सवाल निकाले हुए होने चाहिए। मुझे कई मेरे विद्यार्थी कहते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं कि सर आप एक टाइप के इतने प्रश्न क्यों करवाते हो, जब हमारे 1-2 प्रश्न समझ में। मैं इसलिए करवाता हूं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी उस चीज को समझ जाए। इस लॉकडाउन के दौर में हर कोई टीचर ही, बच्चे ही, और नहीं तो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही एक बार तो पढ़ाने लग गए। लेकिन आप एक बार इस चीज का जरूर ध्यान रखें, बोलने से पता लग जाता है कि वास्तव में उसमें टीचर के गुण है या नहीं है। तो ऐसे भविष्य को अपने को खराब ना करें कि कहीं आप स्टूडेंट्स के पास पढ़ने, कई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको, उनको हमें देखना चाहिए। लेकिन कई जगह फ्री में टाइम पास के लिए भी यूट्यूब पर आ गए, कई टीचर थे जो यूट्यूब पर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी यूट्यूब पर, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। कमल एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। देखो यहां दिया हुआ है आपको कि जो कमल है वो एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, 15 days, कमल कंप्लीट्स अ वर्क इन 15 days। ठीक है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। ध्यान रखना, विमल जो है वो कमल से 50% अधिक, इसका मतलब कार्य क्षमता या पर डे वर्क 50% अधिक है। और अगर मैं 50% का भिन्नमान देखना चाहूं तो बोलो 1/2, अगर कमल 2 करता है तो विमल 3 करेगा। 50% अधिक का मतलब यही तो हुआ कि इसका आधा अधिक, आधा अधिक इसका आधा एक, और अधिक करेंगे 2 में तो 3 हो जाएगा। भाई पर ये 2 करता है तो ये 3 करेगा। आगे क्या बोला है, विमल द्वारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। मुझे एक चीज बताओ आप,
कमल एक दिन में क्या कर रहा है? दो काम। कमल एक दिन में क्या कर रहा है? दो काम। कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। इसका मतलब कुल काम 30 है। कुल काम कितना है? 30। कुल काम कितना है? 30। अब अगर मुझे ये 30 काम विमल से करवाना, तो डेली का तीन तीन करता है विमल तो, और एक दिन का तीन करेगा, तो 30 काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 10 दिनों में। 10 days में, 10 दिनों में वह काम को कंप्लीट करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य क्षमता से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उससे भी हमें आना चाहिए। मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भरा हुआ है। एक ड्रम कितना भरा हुआ है? 3/4। उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर 7/12 रह जाता है। तो बोलो ये कितना रह गया? 7/12। तो इन दोनों का अंतर 30 लीटर है। बोलो सही है कि नहीं है? आपसे धारिता पूछी है। दोबारा सुनना, टैंक में पानी कितना था? 3/4। 75% भरा हुआ था, फिर कितना रह गया? 7/12। तो निकला तो इन दोनों के बीच का ही है भाई। पहले इतना, अब इतना, इसका मतलब बीच का निकल गया। बात समझ में आई? दोबारा सुनना, पहले 3/4, अब 7/12, बीच का निकल गया। बीच का कितना? 30 लीटर दे रखा है। तो बीच का घटाएंगे तभी तो बीच का आएगा, तो घटाएंगे तो बीच का आ जाएगा। लघुतम लेंगे हमारे पास 12, तो ये 3 3 9 और ये 7 बराबर 30। 9 में से 7 गया 2, 2 से 30 को काटेंगे कितना? 15, और 12 से 2 गुणा करेंगे तो 15 × 12 180 लीटर। ये आपके टैंक की धारिता होगी। टैंक की धारिता कितनी हुई? 180 लीटर। एक का मतलब भाई जब एक भाग होता है ना पूरा ड्रम, तब उसका 3/4 होता है। क्लियर? पूरा ड्रम एक भाग होगा तो उसका कितना होगा? 3/4। हमेशा ध्यान रखें, ऐसा प्रश्न भी आपके पास एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को हम समानुपात की परिस्थिति से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे ध्यान दें, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। 1/4 भरे होने पर कितना आता है? 135 लीटर पानी आता है। तो क्या बोला है आपसे? किसी टैंक के 135 लीटर, तो यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग भरा होगा? यही तो प्रश्न है। यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो टैंक का कितना भाग भरा होगा? मुझे एक चीज बताओ, जब 1 लीटर होगा तो भाग क्या 1/4 और 135 के नीचे ले जाऊं? 1 लीटर में इतना भाग हो गया, मुझे क्या करना था? इसको नीचे ले गए और अब मुझे 180 से गुणा कर देंगे, तो इधर तो लीटर था और इधर भाग था। तो जब 180 लीटर होगा तो कितना भाग भरा होगा? 1/4 × 135। ये भाग तो पहले से था और गुणा क्या कर देंगे? 180। 45 से अगर हम गुणा करते हैं, सॉरी, अगर हम इस चीज को 45 से गुणा करते हैं तो ये तो कितनी बार? 3 बार, और ये कितनी बार? 4 बार। आप 4 से 4 काट दो तो बोलो कितना भाग भरा रहेगा? 1/3 भाग भरा रहेगा। कितना भाग भरा रहेगा? 1/3 भाग भरा रहेगा। क्लियर है? ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप ध्यान रखिए। क्लियर? तो आप लोगों तक जो मैं बातें पहुंचाना चाह रहा हूँ आप तक पहुंचनी चाहिए, तभी आनंद आएगा, तभी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज आप समझे, इस चीज को, वीडियो को एडिट करना बहुत समय लग जाता है इन चीजों में, इन चीजों से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। क्लियर? बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है ये 2 प्रश्न एक जैसे थे, ये आपको समझ में आए होंगे। आगे देखो, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक सक्षम है। बी ए से कितना बताओ? 60%। 60% का भिन्नमान 3/5 याद होने चाहिए सर, ये भिन्नमान प्रतिशत में याद होते हैं ये, अगर याद नहीं होंगे तो कंपटीशन के दायरे में नहीं है आप लोग, ध्यान रखना। और मैं यहां एक चीज और याद रखना, स्टूडेंट के सीखने के हिसाब से भी मैं पढ़ाता हूं, और कोई टीचर अगर पढ़ाना या कोई स्टूडेंट पढ़ाना चालू करना चाहे तो नोट्स को यहां से कॉपी करें। एक जैसे इतने प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे आपको, अगर आप इन चीजों को उठाकर पढ़ाना शुरू करोगे तो मेरे हिसाब से आगे चलकर आपको पढ़ाने में बहुत सुविधा होगी। कई टीचरों के लिए भी मैं ये प्रश्न डालता हूं ताकि कई टीचर पढ़ाएं तो अलग अलग जगह से कंटेंट अपना उठा सके और अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा सके। ठीक है? अच्छा मैटर होना चाहिए हर विद्यार्थी तक, हर गांव गांव तक और हर छोटे कस्बे तक हमारा ये मैटर, अच्छा सोलिड मैटर जाए, तभी किसी चीज में आनंद आ सकता है। तो देखो, बी ए से 60% अधिक सक्षम है, तो ए 5 करेगा तो बी 3 ज्यादा करेगा,
ए 5 करेगा तो बी 8 करेगा, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ये क्या आ गई? इनकी कार्य क्षमता। फिर क्या बोला है? ए 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में? बोलो ए एक दिन में क्या कर रहा है? एक दिन में 5 कर रहा है, तो एक दिन में 5 कर रहा है तो 12 दिन में 12 पंजे 60 काम हो गए क्या? एक दिन में 5 कर रहा है तो 12 दिन में कितना हो गया? 60 काम। अब क्या कह रहा है? दोनों से मिलाकर करवाओ, दोनों 8 और 5 क्या करते हैं? 13, तो 60/13 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन में था, आप भाग भी दे सकते हो 5 से ही 5/13, ये भी आपका 5 से ही 8/4 से ही 8/13 ये आंसर आ जाएगा भाई। 13 2 52 4 से ही 8/13 ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर? बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है ये प्रश्न देखो अब मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन अचानक से एग्जाम में आएंगे तो टफ लगेंगे, इसलिए आप तुरंत इनका आंसर निकाला करें। और अगर मान लो आपको ये प्रश्न आते हैं तो फटाफट उत्तर दो ना, आधे घंटे में यूटिलाइज करो, पूरी चीजें यूज हो रही है। कई स्टूडेंट ये देखकर चले जाते हैं कि यार ये चीजें तो हमें आती हैं। अरे सर बहुत अच्छी बात है, आपको आती हैं ये चीजें, लेकिन आप फटाफट एक बार हैबिट में तो ले आओ इनको, भूलोगे नहीं कई चीजों को काफी समय से। ठीक है, ए और बी किसी काम का 11/19 करते हैं, एबीसी लगे हुए हैं और ए और बी क्या करते हैं? 11/19। कहने का मतलब कुल 19 है तो ये 11 करते हैं, कुल 19 है तो ये क्या करते हैं? 11। इन्होंने 11 किया तो बोलो सी ने बचा हुआ कितना कर दिया? 8। भाई 19 और 11 का अंतर कितना आ गया? 8। सी ने 8 कर दिया। फिर बी और सी मिलकर 14/19, बी और सी मिलकर 14/19, मतलब 19 में से इन्होंने 14 किया, 19 में से 14 तो बोलो इन्हें बचा हुआ 5 कर दिया। तीनों के काम करने का अनुपात पूछा है। क्या पूछा आपसे? तीनों के काम करने का अनुपात। मुझे एक चीज बताओ, सी का आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या ए का काम है? है बिल्कुल। क्या सी का काम है आपके पास? है बिल्कुल। किसका नहीं है? बी का। कुल काम कितना? 19। 19 में से 8 और 5 13 हो गया, 13 हो गया तो कितना बच गया? 6। सही है कि नहीं? या फिर ऐसा कर लो भाई, ये 5 काम अगर आप यहाँ रखते हो तो 11 में से 5 ये करता है तो बी क्या करेगा? अच्छा, तो बी का काम आ गया। ये इनके कार्य क्षमता का अनुपात। जब ये प्रश्न आया तो स्टूडेंट मेरे पास लेके आए कि सर इस प्रश्न को बताओ, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताओ, ये प्रश्न तो बहुत आसान प्रश्न है, समझ में आ रहा है ये प्रश्न? दोबारा सुने एक बार इस चीज को। 11/19 का मतलब 11 ही बचा हुआ दूसरा, 14/19 का मतलब 14 ही बचा हुआ दूसरा। अब कह रहा है तीनों का अनुपात बताओ, तो ए और सी तो अकेले हैं लेकिन बी नहीं है, तो जब मैंने ए का काम 5 रख दिया तो बचा हुआ 6 आ गया। या फिर कुल काम 19 में से दोनों का घटा दिया, तीसरे का सबसे ही काम निकल के आ गया। बोलो क्लियर है बात? समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम चाह रहे हैं कि कार्य क्षमता का कंप्लीट काम खत्म हो जाए, इसलिए हम कंप्लीट प्रश्नों को यही सोल्व करने की उम्मीद से आए हैं। ठीक है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से कितना अधिक कुशल है? 25। 25% का भी अनुमान 1/4। ए 4 करता है तो बी 1 ज्यादा करेगा, इसका मतलब बी 5 करेगा। अब क्या बोला है? ए 6 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? जब ए 1 दिन में 4 तो 6 दिन में 24 काम, और अगर मुझे ये 24 काम बी से करवाना है तो बी 1 दिन में 5, तो बोलो 5 × 20 और 4 बच गए, 4 से ही 4/5 दिन, ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 4 से ही 4/5 दिन। उम्मीद है समझ में आया होगा। दोबारा सुनना, 25% अधिक का मतलब वो 4 तो वो 1 ज्यादा, 4 की जगह 5, डेली का 4 तो 6 दिन का 24, 24 इससे करवाओ तो 5 के हिसाब से 4 से ही 4/5 दिन, ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम आपका। ए बी से 20% कम काम करता है। अब देखो मैं बात करता हूं ए और बी की। ए बी से 20% कम काम करता है तो 20% का भी अनुमान क्या हुआ? 1/5। अगर बी 5 करता है तो ए 1 कम करेगा, और ए 1 कम करेगा तो कार्य क्षमता 1/4 ही आ गई। कम में 1 कम कर देंगे, अधिक में 1 ज्यादा कर देंगे, तो देखो ये 5 तो ये 4। अब कह रहा है ए 7.5 घंटे में काम पूरा करता है। 7.5 का मतलब 15/2, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था 7.5 का मतलब क्या आ गया? 15/2, तो 4-4 कामों के हिसाब से 15/2, तो 15 × 60, 60 का आधा 30 काम, कुल काम कितना हो गया? 30 काम। प्रश्न क्या कह रहा है? बी उसे कितने समय में करेगा? तो बी बताओ 30 का एक काम को कितने देर में कर रहा है? 5। भाई ये जो कार्य क्षमता है बी की पर डे वर्क, वो कितना है? 5। 5-5 के हिसाब से 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन।
पांच पांच के हिसाब से 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। क्लियर है? थोड़ी सी अगर आपको गति फास्ट लगे तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम गति फास्ट करके ही निकले। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जब कार्य क्षमता के एक जैसे प्रश्न है तो उम्मीद ये करके चल रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से कितना है? 60% अधिक कुशल है। दोबारा 60% बी ए से 60%, 60% का भी अनुमान 3/5, तो अगर बी ए 5 करता है तो बी 8 करेगा, 3 ज्यादा कार्य क्षमता, 5 करता है तो 8। ए 12 दिन में कर रहा था तो इसका मतलब एक दिन में 12, एक दिन में 5, तो 12 दिन में 12 पंजे 60। अब ये 60 काम क्या कह रहा है? अकेले बी को करने में कितना समय लगेगा? अकेले बी को, तो बी अकेला क्या करता है बताओ? 8 काम कर रहा है, 8 के हिसाब से देखेंगे तो बोलो 15 और 2 15 का आधा कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 दिन लगा, कितने दिन लगाएगा? 7.5। ये आपका आंसर था, 7.5 दिन आपका राइट जवाब होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कार्य क्षमता में कैसा है देखो। ए कोमा बी की तुलना में आधा काम करता है, ए कोमा बी की तुलना में कितना करता है? आधा काम करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो अगर मैं ये कह दूं कि ये 4 करता है तो ये 2 ही करेगा। सर 2 और 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आगे की परिस्थिति मैंने पढ़ ली, वो आपको पता लग जाएगा। अगर 1 और 2 लेंगे तो 3 का आधा, फिर 1.5 लेना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है? सी, कार्य क्षमता की बात हो रही है। सी कह रहा है दोनों ए और बी द्वारा मिलाए गए का भी आधा करता है, तो बोलो 6 4 2 6 6 का आधा कितना? ये 3 ही करता है। फिर क्या बोला है? यदि सी अकेला 40 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सी अकेला कितने में? 40 में। मुझे एक चीज बताओ, एक दिन में क्या कर रहा है सी? 3 काम। अगर एक दिन में 3 कर रहा है तो 40 दिन में मैं कह सकता हूं 120 काम होगा। 40 दिन में कितना काम होगा? 120। तीनों से करवाना है तो एक दिन में 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 काम। अगर एक दिन में 9 करते हैं तो 3 से काट लो, बोलो 3 और ये 40, 40 में 3 का भाग देंगे तो 13 से 1/3 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 13 से 1/3 दिन। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है प्रश्न? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। कार्य क्षमता पर आधारित मैं कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, तो ध्यान दें, ए बी की तुलना में 30% अधिक, 30% का भिन्नमान बोलो 3/10। अगर बी 10 करता है तो ये 3 ज्यादा, तो ये 13 करेगा। अगर ये 10 करता है तो ये 13, ये कार्य क्षमता आ गई। और ए अकेला 23 दिनों में कर सकता है काम को, अगर एक दिन में 13 तो 23 दिन में 13 × 23 काम हो गया, ये करवाना है हमें। क्लियर? अब कह रहा है ए और बी मिलकर उसे कितने समय में कर देंगे? बोलो ए क्या कर रहा है? 13। बी कितना कर रहा है? 10। दोनों मिल जाएंगे तो 23, एक दिन में 23 होगा तो बोलो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 13। बोलो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 13 दिन। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है क्या कॉन्सेप्ट? देखो आपके लिए इसीलिए हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे होंगे, आगे से आगे वीडियो को शेयर कर दें अगर हमने वास्तव में आपको ऐसा लगा हो कि भाई टीचर ने मेहनत की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सुनना। पी क्योंकि अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, पी है वो क्योंकि अपेक्षा 3 गुना कुशल। अगर क्यों एक करता है तो पी 3 ही करेगा, क्यों एक करता है तो पी क्या करेगा? 3। पी 3 काम करेगा। क्यों काम को 48 दिन में पूरा करता है, तो एक साथ काम करने पर दोनों कितने दिन में कर देंगे? अगर क्यों 48 दिन में, एक दिन में एक करता है तो 48 दिन में कितना काम हो गया? 48। एक दिन में एक तो 48 दिन में 48, दोनों मिलकर एक दिन में क्या कर रहे हैं? 4। अगर एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 48 काम को बोलो 12 दिन में पूरा कर देंगे। 48 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 12 दिन में, 12 डेज में आपका काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है बात? अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक एक काम संपन्न करने में अरुण से दो गुना तथा आलोक से तीन गुना समय लेता है। देखो अशोक है एक तो, और एक है आपके पास अशोक के अलावा है अरुण और आलोक। एक है आपके पास अरुण और एक है आपके पास आलोक। तो अब ध्यान दें एक बार, अशोक एक काम करने में अरुण से दो गुना और आलोक से तीन गुना, तो वही प्रश्न आ गया। अगर ये दो करता है तो इसको तीन मान लो, इसको छह मान लो। पहला ही पहला प्रश्न किया था हमने, भाई आलोक से तो तीन गुना, अरुण से कितने गुना, दो गुना। ये कार्य क्षमता आ गई सर, ये हमने पहले पहले प्रश्न किया भी है, ध्यान रखना इस बात का, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वे एक साथ एक दिन में काम कर रहे हैं तो छह तीन गुना समय लेता है। तो ये समय है सर, ये क्या है, समय। कार्य क्षमता अगर निकालेंगे तो इसको छोड़ दो, तीन दूनी छह, यहां छह दूनी बारह और छह तीय अठारह। कार्य क्षमता वो की हो जाएगी एक अनुपात दो अनुपात तीन, और अगर तीनों एक दिन में कर रहे हैं तो तीन दो पांच और एक छह काम हो गया। एक दिन में कर रहे हैं तो क्या काम हो गया, छह। अशोक वह काम कितने दिन में कर देगा, तो अशोक एक दिन में क्या कर रहा है, एक काम। अगर अशोक एक दिन में एक काम कर रहा है तो छह काम छह दिन में कर देगा। बोलो छह काम कितने दिन में कर देगा, छह दिन में। बात समझ में आ रही है, प्रश्नों का आप इस प्रकार से करें, छह काम छह दिन में पूरा कर देगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं, देखो और आसान है आपके सारे प्रश्न। एक प्रश्न है, दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक काम पांच दिनों में पूरा किया। एक साथ ए और बी ने मिलकर कोई काम पांच दिन में पूरा किया, कितने दिन में पूरा किया, पांच दिनों में पूरा किया। फिर आगे क्या दिया है, यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दो गुना, मान लो ए यही काम कर रहा था लेकिन उसने दो गुना काम किया तो दो ए किया, भाई ए ही करता तो दो गुना कर रहा है तो कितना किया, दो ए काम किया आपके पास। अब ध्यान दें, बी ने एक तिहाई काम किया, इसका मतलब इसके साथ जो बी लगा उसने बी बटे तीन ही काम किया, उसने कितना काम किया, बी बटे तीन, और काम तीन दिनों में पूरा हो गया। ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, अगर इस प्रकार से उन्होंने तीन दिन लगाए इस प्रकार से, और ए और बी मिलकर नॉर्मली करते तो पांच दिन में हो जाता। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो मैं कह दूंगा पांच ए प्लस पांच बी, और अगर इससे मल्टीप्लाई करूं, पहले एलसीएम ले लो, तीन दूनी छह प्लस बी और बटे तीन से ये वाला तीन कट जाए, क्लियर। आगे ध्यान दें एक बार थोड़ा सा, अगर पांच ए इधर आएगा तो ए के बच जाएगा केवल, और बी अगर उधर जाएगा तो चार बी बच जाएगा। तो बोलो ए एक दिन में चार बी एक कर रहा होगा, ए और बी की कार्य क्षमता आ गई, ए एक दिन में क्या कर रहा होगा, चार काम, और बी क्या कर रहा होगा, एक काम। अब आपसे क्या पूछा है, ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो सबसे पहले काम तो निकाल लो, कोई सा भी इधर से निकाल लो, चाहे इधर से। ए एक दोनों एक दिन में क्या कर रहे हैं, चार और एक पांच, दोनों एक दिन में क्या कर रहे हैं, पांच काम। पांच दिनों तक करते तो पच्चीस काम कर देते, कुल काम आ गया पच्चीस। पांच दिनों तक करते तो कितना काम कर देते, पच्चीस। एको अकेले को करना है, अगर एक दिन में चार करता है, अगर एको अकेले को करना है, क्या करना है, एको अकेले को करना है ना, हाँ, एक दिन में चार करता है तो छह चौक चौबीस और एक बटे चार दिन। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन, ध्यान रखना बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे अकेले से करवाना है पच्चीस काम, एक दिन में चार करता है तो छह दिन तो पूरे पूरे एक बटे एक चौथाई दिन और ले लेगा, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हमें एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कैसा भी प्रश्न घुमा के, एसएससी, रेलवे, बैंक, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस, इनमें कहीं भी दिया हुआ आ सकता है, ठीक है। सुनील एक काम चार दिनों में पूरा करता है जबकि दिनेश वही काम छह दिनों में, ये भी एक बार प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत वायरल हुआ हुआ प्रश्न है। सुनील एक काम चार दिन में पूरा करता है जबकि दिनेश वही काम कितने दिन में, छह दिनों में पूरा करता है। तो ये बोलो इनका समय है,
और समय का अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो 2:3 आ गया। समय का रेशियो क्या गया? 2:3। यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से काम करता है, रमेश सुनील से, तो मैं इधर एक जगह रमेश लिख देता हूं और एक जगह सुनील लिख देता हूं। रमेश 1.5 गुना काम करता है, क्या हम 1.5 गुने को 3/2 गुना कह सकते हैं? 3/2 का मतलब अगर ये 2 करता है तो ये 3 करता है, ये कार्य क्षमता है सर। ये क्या है? समय। ये क्या है? कार्य क्षमता। उल्टा करो, समय निकालने के लिए 2:3 आ जाएगा। समय निकालने के लिए क्या जाएगा? 2:3। तो इनका एक साथ अनुपात निकाल देंगे हम। किस किस का? अब मैं लिख रहा हूं रमेश, फिर मैं लिख रहा हूं सुनील, और फिर मैं लिख रहा हूं दिनेश। अगर इनका एक साथ मैं अनुपात निकालूं तो बोलो रमेश और सुनील में क्या अनुपात? 2:3। किसका अनुपात निकल रहा है? समय का। किसका निकल रहा है? समय का। अब सुनना मेरी बात, कार्य क्षमता का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसको कार्य क्षमता भी बदल के। सुनील और दिनेश का क्या अनुपात? 2:3। इसको नीचे लिख, जहां कुछ भी नहीं है आगे बढ़ाओ। अगर आपने ये चीज नहीं देखी तो मेरा अनुपात समानुपात का लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको यहाँ बढ़ाओ। तो अगर इनके समय का अनुपात देखें तो 4:6:9 हो गया। अगर इनके समय का अनुपात हम देखें तो समय का अनुपात क्या आया? 4:6:9। लेकिन क्या हमें समय का अनुपात चाहिए या कार्य क्षमता का? हमें चाहिए सर कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे आएगी बताओ? 9 × 54 यहाँ आ गया। 9 × 54 क्या आया? 54। यहाँ करेंगे तो 9 × 36 और यहाँ करेंगे तो 6 × 34। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आया, जिसे आप गुणा भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूँ, 6 × 4 गुना, 6 × 6 गुना और 6 × 9 गुना, 9, 6 और 4, 9, 6 और 4, ये आपकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब ध्यान दें, अगर सुनील 4 दिन में कर रहा था तो प्रश्न क्या बोला है आपसे? तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? मुझे एक चीज बताओ, सुनील 4 दिन में कर रहा था, सुनील 1 दिन में 6 कर रहा है, तो काम 6 × 24 है। कुल काम कितना है? 24। दोबारा सुनना मेरी बात एक बार, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तक कुल काम नहीं है हमारे पास। सुनील कितने में कर रहा था? 4 दिन में। अगर 4 दिन में तो 1 दिन में 6, तो 6 × 24। आप अगर इसे दिनेश से कराना चाहो कोई बात नहीं, 1 दिन में 4, तो 6 दिन में 6 × 24, काम 24 ही आएगा। अब मुझे ये 24 काम किससे करवाना है बताओ? किससे करवाना 24? तीनों से। तीनों 1 दिन में, 9 × 6 = 15 और 4 = 19। 1 दिन में क्या करते हैं? 19। अगर 1 दिन में 19 करते हैं तो 19 × 19 5/19 दिन, इतना समय लगेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। क्या आंसर आएगा इसमें अपने पास? 1 सही 5/19 दिन, इतना समय लगेगा। बोलो क्लियर है? और प्रश्न मैं देख लेता हूँ, आपके लिए कोई प्रश्न है क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न की, 1-2 प्रश्न हम और कर लेते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं प्रश्न एक भी। देखो, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। प्रतिभा क्या है? सोनिया से। तो प्रतिभा और सोनिया, कार्य क्षमता सोनिया 1 करती है तो प्रतिभा 3 करेगी, 3 गुना दक्ष है। आगे क्या बोला है? इसलिए सोनिया से 60 दिन कम लेती है, अलग अलग कितने थे दिन में कर लेगी। तो बताओ सोनिया से अगर मैं टाइम देखूं तो उल्टा कर दो 1:3। अभी प्रश्न आया था ऐसा, इसने कितने दिन कम लिए? 2 का मतलब सवाल में 60। अगर 2 का मतलब 60 तो 1 का मतलब 30। तो बोले ये तो कितने दिन में करेगी? 1 का मतलब 30 और ये कितने दिन में? 3 का मतलब 30 × 90। तो इसको तो लगे 30 दिन और इसको लगे 90 दिन। बोलो बात क्लियर है? ये अगला प्रश्न आपके पास बोलो, इसको 30 दिन और इसको 90 दिन। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इन प्रश्नों को आपको सोल्व करना है, ध्यान रखना पूरी ईमानदारी से। अगला प्रश्न, एबीसी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर ए बी से 2 गुनी तेजी से और सी से 3 गुनी से। तो ये तो वही प्रश्न आ गया जो हम करते आए हैं कि अगर ये 2 तो ये 3 ले लो, ये 6 ले लो। अगर बी से 2 गुनी और सी से 3 गुना हो गया, सही है, तेजी से काम करता है, अब सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा? बोलो कार्य क्षमता आ गई है। ये 6, 3, 9 और 2 11,
11 काम एक दिन में, तो बोलो तीनों कितने दिन में? 6 दिन में। तो 11 गुणा 6 बराबर 66 काम हो गया। कितना काम हो गया? 66। अगर 66 हो गया, शीशे करवाना एक दिन में 2 काम करता है, तो बोलो कितने दिन में कर देगा? 33। कितने दिन में कर देगा? 33 दिन में। तो ये आपका राइट आंसर होगा। और आज के सेशन का, इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार सेशन रहेगा अपना। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, एक पाइप किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। जैसे ए है और बी है, तो अगर ये एक मिनट में, तो ये 3 गुना तेजी से, कार्य क्षमता 3 गुनी है। क्लियर? कार्य क्षमता क्या है? 3 गुनी। समय नहीं है, कार्य क्षमता 3 गुनी। यदि दोनों मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर दें, दोनों मिलकर 1 मिनट में 4, तो 36 में 4 गुणा 36 144 काम हो, कितना हो गया? 144। तो धीमे रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? धीमे रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, ये तो पूछा है। तो अब ध्यान दो, धीमे रफ्तार जो कम फेंक रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में 1, तो जब भाग देंगे तो 144 मिनट। अगर इसको घंटे में लिखें तो 2 घंटे और 24 मिनट हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 2 घंटे और 24 मिनट। तो ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी? किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप आगे के सेशन भी देखते चले। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे स्तर पर कार्य समय कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, केवल कार्य क्षमता से आधारित प्रश्न अभी कंप्लीट हुए हैं, जिनमें भी अभी तक हमने मजदूरी पर आधारित प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न हमने नहीं किए। क्लियर? तो अब बात करते हैं आगे के सवालों की अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। एंजॉय योरसेल्फ।